Hello, dear students. Today we will deal with another lesson, that is sound. Sound actually form of energy. ये energy की एक सूरत है, form है, जो produce होती है by vibrations. अगर कोई चीज़ vibrate होगा, तो उस चीज़ vibration से जो है sound produce होती है. That means the source of sound is vibration. जहाँ कभी कहीं भी vibration हो जाएगी, तो sound produce हो प्रोड्यूस हो जाएगी. तो साउंड भी जो है, ये वाइब्रेशन भी जो है, ये एनर्जी की वजह से ही होती है. अगर किसी को हम छेड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, तो वो जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा. साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड भी एक सूरत है, फॉर्म है एनर्जी की. और ये साउंड जो है, ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. अगर हम वाइब्रेशन की बात करेंगे, वाइब्रेशन क्या है? इट इज़ द फ्रू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन. अगर कोई चीज़ जो है यहाँ पे होगी, मैं इसको जो है, अगर थ्रेड दो जगहों पे बंधा होगा और मैं उसको ऐसे छेड़ूंगा, तो वो थ्रेड जो है, जब मैं इसको ऐसे करूँगा, ये उंगली क्या है, ये यहाँ और वापस और वहाँ, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी. दैट मीन ये थ्रेड जो है, ये यहाँ और वापस यहाँ जा सकता है. और ये टू एंड फ्रो मोशन, अगर आप दो हाथों से थ्रेड को पकड़ेंगे और बीच में फिर एक उंगली से करेंगे, तो वो वाइब्रेट करेगा. तो दैट इज़ नोन एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज वाइब्रेशन. जब अगर एक फिक्सड पोजिशन पे कोई चीज़ जो है मूव करेगा टू एंड फ्रो, दैट इज़ नोन एज वाइब्रेशन. अब ये जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वाइब्रेशन होती है, तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अब अगर ये साउंड प्रोड्यूस होगी डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ये लेकिन ये साउंड तो है, ये डिफरेंट होती है, ये सेम हर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल रहता है, वहाँ पे वाइब्रेटिंग मटेरियल जो रहता है, वो डिफरेंट रहता है. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जो मैं अभी बात कर रहा था, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट किस्म का मटेरियल होता है, डिफरेंट किस्म की जो है प्लानिंग होती, प्लान होता है, डिज़ाइन होता है, जिससे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर हम बात करेंगे, एक्चुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फोर किस्म के रहते हैं. दो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोर से ज़्यादा, लेकिन जो बेसिक वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन कितने किस्म के मटेरियल जो है, वाइब्रेटिंग मटेरियल जो है, वो कितने, चार किस्म का होता है यूजुअली. अगर हम पहला देखेंगे, वुड विंड एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एयर कॉलम जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल फ्लूट की बात करेंगे हम, पिकोलो की बात करेंगे हम, फ्लूट को ऊपर से आप एयर को फोर्स करते हैं और फिर उसके अंदर जो वायर, ये एयर है, ये वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स इन वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स एयर इज एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या वाइब्रेशन जो कर रहा है वो एयर कर रहा है और डिफरेंट किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर हम नेक्स्ट करेंगे सिट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे सिट्रिंग धागा जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है और अपनी जो आवाज़ निकाल रहा है, वो साउंड निकाल रहा है या म्यूजिक निकाल रहा है, तो उसमें वायलिन आता है, सेलो आता है. ये वायलिन जो है, हाथ से हम वायलिन स्ट्रेच करते हैं, उधर इधर घुमाते हैं वायलिन, और डिफरेंट किस्म की जो है म्यूजिक निकल आता है. तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, जिनके पास जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है या वाइब्रेटिंग मटेरियल होता है, वो स्ट्रिंग होता है. नेक्स्ट होता है परकुशन. परकुशन में क्या होता है, ये सिट्रिंग, यहाँ पे भी सिट्रिंग होता है, लेकिन वो सिट्रिंग जो है यहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है, या कोई भी चीज़ उसको स्ट्राइक किया जाता है. अगर हम यहाँ पे पियानो की बात करेंगे या ड्रम की बात करेंगे, ड्रम को हम बीट पीटते हैं यहाँ पे, तो जो वहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, वो जो है वाइब्रेशन कर रहा है. पियानो में जो थर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जब वहाँ पे जो वो स्विच स्ट्राइक कर रहे हैं थर्ड्स के साथ, तो परकुशन में जो बीटिंग या स्ट्राइकिंग मैटर करता है कि किस किस्म की स्ट्राइकिंग जो थर्ड पर होगी या किसी भी मेम्ब्रेन पे होगी, इसमें पियानो और ड्रम आता है. नेक्स्ट अगर हम ब्रास बात करेंगे, ब्रास टाइप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे ट्यूबा और ट्रम, वो बड़े बड़े जो रहते हैं म्यूज़िक में, जहाँ पे बहुत किस्म के वो आयर, वहाँ पे आयर कॉलम जो है वो सिट्रा वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ पे लिप्स वो बज कर रहे हैं और आयर कॉलम को वो उनके लिप्स
कि बजिंग की वजह से वहाँ पे जो है डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक निकल आता है। तो ये चार किस्म के जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है वुड विंड, सेट्रिन, परकुशन एंड ब्रास। तो मैंने एग्जांपल भी दो दो एग्जांपल्स इनमें बताए हैं कि दो दो वुड विंड की दो एग्जांपल क्या है, सेट्रिन की दो एग्जांपल क्या है, परकुशन की दो एग्जांपल और ब्रास की दो एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, और उनमें बता दिया है कि वाइब्रेटिंग मटेरियल भी है क्या। नेक्स्ट क्या है, अगर हम साउंड प्रोड्यू ह्यूमंस भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंसान भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय विद और विद द हेल्प ऑफ द साउंड बॉक्स। जो यहाँ पे साउंड बॉक्स है जिसको आप लैरिंक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स की मदद से हम साउंड निकालते हैं। ये लैरिंक्स एक्चुअली हमारे विंड पाइप पे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स या स्ट्रिचेस, मसल स्ट्रिचेस प्रेजेंट रहते हैं, और उन मसल स्ट्रिचेस को नीचे से जब लंग्स के लंग्स में से एयर जो निकलता है बाई फोर्स निकलता है और डिफरेंट किस्म की आवाज़ जो निकल आती है, इन्हीं इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। आपकी टेक्स्ट बुक में वोकल कॉर्ड्स के फिगर दी गई है, आप वो बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स के दो स्ट्रेचेस रहते हैं, उन दो स्ट्रेचेस में जो है वो एयर बाई फोर्स